एंटी और एनवी स्कैन क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे कब कराना चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें हम क्या क्या पता लगाते हैं। एंटी और एनवी स्कैन के अंदर हम पता लगा सकते हैं डाउन सिंड्रोम या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि स्पेशली अगर ट्राइजोमी है, ट्राइजोमी यानी 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर 21वें नंबर पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर कंजेनाइटल अदर कोई प्रॉब्लम्स है, सुनने में कोई परेशानी होना, देखने में कोई परेशानी होना, उसके दिमाग उसके ब्रेन में कोई परेशानी होना, डेवलपमेंट कम होना, या फिर कोई अन्य समस्या होना, इस स्क्रीन से हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये होता क्या है। देखिए, जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी 12 वीक्स के आसपास होती है, यानी 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, स्पेशली 11 वीक्स टू 14 वीक्स, 13 या 14 वीक्स के आसपास जब होती है तब ये टेस्ट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें पता लगाना होता है इतनी सारी बीमारियों का जो मैंने अभी आपको बताई है। आगे चलते हैं और समझेंगे इस अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या क्या है, इस एंटी स्कैन में क्या है, इसे हम नकल ट्रांसलुसेंसी स्कैन भी कहते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं LMP। LMP का मतलब होता है लास्ट मैच्योर पीरियड, 10/8/19, ठीक है। मैच्योरिटी बाय LMP, अगर LMP के हिसाब से मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर 12 वीक्स 2 डे होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी के हिसाब से चलेंगे। आगे चलते हैं, यूट्रस इज वल्की यानी कि यूटेरस का जो साइज है थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। कई कारण हो सकते हैं, PCOD हो सकता है, या फिर फीमेल को कोई अदर समस्या की वजह से भी हो सकता है, ये नॉर्मल होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटीबल्टेड एंड रिवील्स ए सिंगल यूटेराइन लाइफ फीटस, इंट्रा यूटेराइन लाइफ फीटस, यानी कि एक बच्चा लाइफ फीटस, एक ही इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हमें एक ही बच्चा देखने को मिला है। एंटीबल्टेड, यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे होंगे, इसी कंडीशन में क्या होता है जब यूटेरस आगे की तरफ झुक जाता है तो उसे हम एंटीवर्टेड कहते हैं। अब आगे चलते हैं, गुड एंड एक्टिव फीटल मूवमेंट आर सीन, बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं, क्या है, गुड एंड एक्टिव मूवमेंट्स आर सीन। आगे चलते हैं, क्राउन रंप लेंथ मीजर 48.3 mm करस्पॉन्डिंग 11 वीक्स 4 डे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, 12 वीक्स 2 डे, ठीक है। यहाँ पर हम LMP के हिसाब से अगर बात करें तो, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी के हिसाब से अगर हम बात करें, इस नकल ट्रांसलुसेंसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 वीक्स 4 डे है, ठीक है। तो जो बच्चे की क्राउन रंप लेंथ जो है वो 48.3 mm है। अगर हम बात करें नॉर्मल कितनी होनी चाहिए तो ये आपकी होनी चाहिए 45 या 40 से लेकर के 80। स्पेशली बात करें तो जैसे जैसे एज होती है ये धीरे धीरे चेंज होने लगती है, ठीक है। 45 से 80 ये नॉर्मल होनी चाहिए, जो कि इस रिपोर्ट में नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं, FHR यानी कि जो बच्चे की हार्ट रेट है, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है FHR एज की 164 BPM यानी बीट पर मिनट, एक मिनट में 164 बीट पर मिनट ये हार्ट इसका कर रहा है, जो कि नॉर्मल है। अगर 180 से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इधर अगर 135 130 से नीचे आता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे चलते हैं, प्लेसेंटा इज परफॉर्मिंग एंटीरियरली, प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ परफॉर्म कर रहा है, आगे की तरफ सिचुएटेड है। लिक्विड इज एडिक्वेट, जो लिक्विड है एमनियोटिक फ्लूड है नॉर्मल है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। नकल ट्रांसलुसेंसी इज 1.3 mm,
नक्रम ट्रांसुलेंसी यानी कि जो बच्चे के पीछे की गर्दन का जो आकार है, वहाँ पर जो फ्लूड है उसका आकार कितना है और ये नॉर्मल कितना होना चाहिए। अगर नॉर्मल की बात करें तो ये 3 mm से कम होना चाहिए। अगर 3 mm से ज़्यादा है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 mm से ज़्यादा है तो हो सकता है कि डाउन सिंड्रोम के रिस्क होते हैं। अगर इसको कंफर्म हमें करना हो तो कंफर्म करने के लिए हमें कुछ अदर टेस्ट भी कराने होते हैं। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होते हैं या फिर इसके अलावा होते हैं कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग, ये भी टेस्ट हमें कराने होते हैं, और ट्रिपल टेस्ट भी कराने होते हैं। इसके साथ में ट्रिपल टेस्ट का भी बहुत अच्छा रोल है। दोनों को मिला करके रिजल्ट्स को तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें नीजल वॉन इज सीन नॉर्मली, नीजल वॉन यानी नाक की हड्डी, इसमें हम ज़्यादातर मोस्टली देखते हैं जो कि नॉर्मल है। इंटरनल ओस इज क्लोज्ड, नॉर्मल है, क्लोज ही होना चाहिए। सर्वाइकल लेंथ इज एडिक्वेट, सर्वाइकल लेंथ जो है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच्योरिटी इज 11 weeks 4 days, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता जो कि 11 weeks 4 days की है, ठीक है। और अगर हम बात करें EDD के, यहाँ पर कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, एक इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी अनुमानित तिथि डिलीवरी की, यहाँ पर है 21/5/2020। इम्प्रेशन की बात करें तो सिंगल इंट्रायूटराइन लाइफ फीटस ऑफ 11 weeks 4 days, ठीक है, बिल्कुल ही नॉर्मल नकल ट्रांसुलेंसी स्किन है, NT and NV स्किन नॉर्मल है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। आई होप कि इस अल्ट्रासाउंड से, इस नकल ट्रांसुलेंसी से, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इन्फॉर्मेशन सभी को पता होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।